वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप। आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं अप्रोक्स कॉस्ट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए बिल्डिंग। फॉर एग्जांपल, सुपर स्ट्रक्चर में कितना खर्च लगता है, सब स्ट्रक्चर में कितना परसेंट कॉस्ट होगा, ठीक है। अदरवाइज इलेक्ट्रिक, ब्रिक्स, स्टील एटसेट्रा, तो इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। इससे एक आप आकलन लगा पाते हैं कि कितना खर्च किस कंपोनेंट्स में होता है, इसके बारे में आपसे बात करेंगे। पर सबसे इंपॉर्टेंट आपसे आपको हम साइज ऑफ रूम यूज इन रेजिडेंशियल बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी बिल्डिंग का डिज़ाइन करते हैं, बिल्डिंग प्लानिंग करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा कौन सा रूम का साइज कैसा होगा, कितना बड़ा होगा और इसका एस्पेक्ट कैसा होगा। तो एस्पेक्ट के बारे में हम इस लेक्चर में आपसे बात नहीं करेंगे, सिर्फ साइज के बारे में और मिनिमम फ्लोर एरिया जो उसका उसके बारे में आपसे बात करेंगे। सबसे पहले देख लीजिएगा, यहाँ पर एक मैंने ग्रुपिंग बनाई हुई है। जब आप प्लानिंग करते हैं तो ग्रुपिंग बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में भी आपको हम बताएंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में कि कैसे हम बिल्डिंग की प्लानिंग करते हैं। इसमें प्रेशर जो होता है, लोड, हवा का प्रेशर एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम सीखते देखिएगा। फेयर, फेयर का मतलब होता है जब आप सिनेमा घर या किसी जो है में इंटर करते हैं, शॉपिंग मॉल्स, तो जहाँ पर आपको वेटिंग रूम बने होते हैं उसको हम फेयर फेयर कहते हैं। देखिए फेयर हो गया, देखिए कैसे है, देखिएगा। गेस्ट रूम अगर है तो टॉयलेट अटैच होगा। गेस्ट रूम किससे अटैच होता है? हॉल से, हॉल कॉमन रूम से, और हॉल से ही आपको डाइनिंग होता है। देखिएगा इस तरह से बेडरूम है तो कॉमन रूम, और बेडरूम से अटैच टॉयलेट, बेडरूम से अटैच होता है आपका टॉयलेट, ठीक है। अब देखिएगा, देख लेते हैं कंपोनेंट्स के बारे में आपसे बात किया था। देखिए सेल नंबर, नेम और परसेंटेज मैंने लिख दिया है आपके लिए, बना दिया है, आप यहाँ से इसको नोट कर लेंगे और इसको याद रखेंगे। पहला में मेरा है अर्थवर्क इन एक्सवेशन इंक्लूडिंग फिलिंग, फिलिंग के साथ आपका 0.5% होता है टोटल कॉस्ट, टोटल परसेंटेज का। कंक्रीट वर्क इन फाउंडेशन तो आपका होता है 4.5%, डीपीसी 1%, ब्रिक वर्क 35%, फ्लोरिंग 6%, डोर्स एंड विंडोज 13%, फ्लाई प्रूफिंग इन डोर्स एंड विंडोज 2.5%, विंडो ग्रिल्स 0.5%, रूफ स्लैब 17.5%, ठीक है। रूफ ट्रेसिंग इंक्लूडिंग लेयर्स, कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट्स एटसेट्रा 2.5%। देखिएगा पेस्टिंग एंड पेंटिंग 10%, व्हाइट वाशिंग, कलर वाशिंग एंड पेंटिंग 2%, ठीक है। सैंपल आर्किटेक्चुअल वर्क 1.5%, एप्रोन अलाउड बिल्डिंग 1.5%, मिसलेनियस वर्क, खुदरा वर्क जो है 2%, ठीक है। अब देखिएगा परसेंटेज कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स एंड लेबर, तो देखिएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल, मटेरियल्स कितने होते हैं 65 से लेकर 70% और कॉस्ट ऑफ लेबर कितना होता है 35% से लेकर 35% तक, ठीक है। इसीलिए जब हम एस्टिमेट करते हैं, जब कॉस्टिंग हम करते हैं, तो लेबर कॉस्ट हमको निकालने का सिंपल सा मेथड होता है कि टोटल कॉस्ट का हम 35% ले लेते हैं, इससे हमारा लेबर कॉस्ट प्राप्त हो जाता है। आगे बताने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरा आने वाला हर लेक्चर आप तक इजिली पहुंचे और मेरा कोई लेक्चर आपसे मिस ना हो। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए परसेंटेज कॉस्ट ऑफ वाटर सप्लाई, सैनिटरी फिटिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। देखिए वाटर सप्लाई के लिए कितना जो है, फिटिंग के लिए कितना, सैनिटरी वर्क के लिए 8 से लेकर 15%, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन विदाउट फैन और एसी के लिए 10 से 20%, ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम। इलेक्ट्रिकल फैंस एंड कूलर्स के लिए 5%। देखिएगा परसेंटेज कॉस्ट ऑफ डिजाइन एंड सुपर विजन, तो देखिएगा सुपरविजन के लिए, देखिएगा प्रिपरेशन ऑफ ड्राइंग्स, डिजाइन एंड एस्टिमेट पर कितना होता है 4% खर्च होता है, ये सिविल इंजीनियर का होता है, ये सिविल इंजीनियर करते हैं। सुपरविजन ऑफ कॉस्ट आपका कितना होता है, सिविल इंजीनियर वर्क में कितना होता है 10 से लेकर 12%, और डायरेक्ट कॉस्ट आपका कितना होता है 85, तो 85 या 15 आपका देख लिए यहाँ,
परसेंटेज कॉस्ट ऑफ सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर, इसमें सब स्ट्रक्चर में हमने फाउंडेशन को प्लिन तक प्लिन को भी इंक्लूड किया है, ये 10 से 15% होते हैं, और सुपर स्ट्रक्चर में कितना होता है 85 से लेकर 90%। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से नोट करेंगे, नोट कर लेंगे और इसको याद रखेंगे, आपको एक एक अंदाजा मिल जाएगा, एस्टिमेशन मिल जाएगा आपको कि कितना परसेंट खर्च किस कंपोनेंट्स में पर आते हैं। जिसके परसेंटेज कॉस्ट ऑफ मेन मटेरियल सीमेंट तो 10 से 15%, ब्रिक्स 20 से 22%, स्टील 10 से 11% और टिम्बर 10 से 20%। ये आपके टोटल परसेंटेज हो गए आपके, जिसको मैंने आपको हर परसेंटेज के बारे में आपको बता दिया। अब चलिए हम लोग देखते हैं साइज ऑफ रूम्स यूज इन रेजिडेंशियल बिल्डिंग। देखिए इसको हमने 3 जोन में डिवाइडेड किया है, 3 जोन में एच आई जी आपको और MIG और आपको LIG। ठीक है, ये इनकम ग्रुप है, देखिएगा तो ये देख लीजिएगा यहाँ साइज ऑफ रूम इन रेजिडेंशियल बिल्डिंग, सीरियल नंबर, नेम ऑफ रूम्स, ऑल डायमेंशन, लेंथ इनटू ब्रेथ हमने दिया है, मैक्सिमम मीटर हो गया HIG, उसी तरह आपको MIG और आपको LIG और फीट में हमने लिख दिया, ये आप ले सकते हैं, ये आपके लिए हमने बना दिया है, ये इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, ये आपको मैंने बना दिया है कि आप ले सकते हैं मिनिमम मैक्सिमम। सबसे देखिएगा ड्रॉइंग रूम ये कितना है, 7.2 मीटर से 5.5 मीटर या फिर 5 मीटर से लेकर 4.2 मीटर तक, उसी तरह आपको देखिए यह हाई हो गया HIG हो गया और MIG 4.5 मीटर से 4 मीटर या 4.2 मीटर से 3.6 मीटर, उसी तरह आपको जो है LIG 3.5 मीटर से लेकर 3 मीटर और आपको अगर फीट की बात करें तो 15 × 13 फीट। ड्राइंग रूम हो गया, देखिए उसी तरह लिविंग रूम इसका देखिएगा मिनिमम इन एरिया आपका हो गया 9.5 मीटर स्क्वायर हो गया, मीटर स्क्वायर में इसको दिया, आप इसको फीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। डाइनिंग रूम देखिएगा सबकी साइज मैंने यहाँ आपको लिख दी है। ठीक है, बेडरूम बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए बेडरूम में एक रूल है, जब कोई भी आप जो है डिज़ाइन करते हैं किसी बिल्डिंग का, आप प्लानिंग करते हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान में होना चाहिए कि कौन से रूम की साइज कितनी है और कितना से हमको कम नहीं लेना। जैसे एग्जांपल के तौर पर बेडरूम लीजिए तो इंडियन स्टैंडर्ड कहता है कि बेडरूम की जो फ्लोर एरिया होगा वो नॉट लेस देन 100 स्क्वायर फीट, माने 100 स्क्वायर फीट से कम नहीं होगा उसका फ्लोर एरिया, और एक जो उसका होगा एक लेंथ कोई भी लंबाई या चौड़ाई 9 फीट से कम नहीं होगा। उसी तरह हमने सबका देखिएगा तो बेडरूम का 4.8 मीटर × 4.2 मीटर आपको हाई हो गया, HIG हो गया, MIG आपका हो जाएगा 4.6 मीटर से 3.6 मीटर तक, आपका LIG हो जाएगा 3.5 मीटर से 3 मीटर तक, ये 15 × 11 फीट। ठीक है, बेडरूम जबकि मिनिमम कितना होता है 10 × 10 फीट, सो ठीक है फ्लोर एरिया 9.5 मीटर स्क्वायर। उसी तरह गेस्ट रूम है, ऑफिस रूम है, किचन रूम है, ये जो हमने तीनों लिख दिया डायमेंशन इसी के आसपास आप रहने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो रूम कंफर्टेबल होगा। और एक और चीज़ आपको यहाँ बताते चले कि रूम को की हाइट जब छोटी हो, यानी अगर आप कोई बेडरूम आपके पास जो हाँ डिज़ाइन करें वहाँ स्पेस कम है 10x10 का बना रहे हैं तो उसकी जो सेलिंग को क्या करेंगे आप, उसको सेलिंग को नीचा रखेंगे। इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि नीचा जो जिसकी सेलिंग कम होती है वो रूम देखने में अपने वास्तविक आकार से बड़े दिखते हैं। तो आपको रूम डिजाइन करते समय इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, रूम को स्क्वायर नहीं बनाना चाहिए, थोड़ी रेक्टेंगल होने की एक डायमेंशन उसका कोई भी लेंथ बड़ा होना चाहिए, ब्रेथ थोड़ा कम होना चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको प्लानिंग करना है। देखिए WCS जो है वाटर क्लोजेट अगर कंबाइंड है तो उसकी भी साइज मैंने मेंशन कर दी है। ठीक है, अगर आपको जो है ड्रेसिंग रूम की साइज मैंने मेंशन कर दी है, यहाँ पर पेंट्री समझिएगा, पेंट्री का मतलब होता है वह जगह जहाँ पर खाना पकने के बाद रखते हैं उसको पेंट्री कहते हैं, जहाँ पर कच्चा सामान रखते हैं उसको हम स्टोर रूम कहते हैं। हमने स्टोर रूम का भी साइज दिया, पेंट्री का साइज 3 मीटर × 2.5 मीटर होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम है, आप इसको कम कर सकते हैं। देखिएगा वाटर क्लोजेट आपका हो गया 3.5 मीटर से लेकर 2.5 मीटर तक, आपको जो है अगर दोनों कंबाइंड है तो या 3 मीटर से लेकर 1.6 मीटर या फिर 2.10 मीटर से लेकर 1.5 मीटर। ठीक है, ये अगर कंबाइंड है तो अलग अलग है, देखिएगा तो उसके लिए भी साइज में ड्रेसिंग रूम आपकी साइज मैंने मेंशन किया है। बाथ अगर सेपरेट है यानी अलग से है तो उसकी भी साइज यहाँ मैंने मेंशन किया है। WC भी अगर सेपरेट है
तो उसकी भी साइज मैंने मेंशन किया। बॉक्स रूम, देखिए बॉक्स रूम वो रूम होता है जहाँ अपनी कीमती सामान को रखते हैं, उसको हम बॉक्स रूम कहते हैं। इसमें बनाने में प्रिकॉशन ये है कि इसकी कोई भी वॉल जो होगी वो बाहर की ओर नहीं होगी, ठीक है। अक्सर इसको बेडरूम से कनेक्ट करके बनाया जाता है। इसका डिज़ाइन ऐसा करते हैं कि मिरर लगा देते हैं डोर पर, तो ये पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ पर रूम है, ये बिल्कुल इसको सेपरेट बनाया जाता है ताकि देखने में पता ना चले कि बॉक्स रूम कहाँ पर है। गैरेज हो गया, जिसमें आप गाड़ी पार्क करते हैं, गैरेज कहलाते हैं। देख लीजिए इसकी साइज है, मैंने लिख दिया है। सर्वेंट रूम, इसकी पहचान ये है कि रूम का छत क्या होता है, नीचे होता है, ये भी 10x10 यानी 100 स्क्वायर फीट से कम नहीं होता है। तो ये कितना होना चाहिए, इसका छत जो है अगर मान लीजिए कि पूरी आपके बंगलों की छत अगर 12 फीट है तो ये 10 फीट होगी। पोर्च, जहाँ पर गाड़ी आके खड़ी होती है, ये पोर्च होता है और पोर्टिको दो होता है इसका, 6 मीटर से लेकर 3 मीटर और या 4.8 मीटर से लेकर 3 मीटर या 16 फीट × 10 फीट ही होना चाहिए। ये थे साइज ऑफ रूम यूज इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग। इसको आपका जानना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको साइज नहीं पता है तो आप जो है बिल्डिंग प्लानिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगले लेक्चर में आपको एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे, कौन सा रूम किस एस्पेक्ट में बना होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश अगर स्ट्रेट छत जा देते हैं तो कैसा होता है, 45 पर देते हैं तो कैसा होता है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ों की जानकारी आपको देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। दैट्स ऑल।